अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस बेल के आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे। इससे होगा ये होगा कि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो फिर जल्दी से ये स्टेप कर लें। अगर आप हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर हमसे करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो चलें फिर हमारा फेसबुक पेज पर, हमने आपकी रिक्वेस्ट पे अपना फेसबुक का पेज बना लिया है। तो आप हमें फेसबुक के पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आगे आपने लिखना है यहाँ पे पी के ट्यूब उर्दू, सेम हमारा यूट्यूब चैनल के नेम जैसा यहाँ पे हमने अपने पेज का नेम लिखा है। अपने यहाँ से पेज निकाल लेना है, एक ही पेज जो कि पी के ट्यूब उर्दू के नाम से है, आपने इसको अभी लाइक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करके हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारी पोस्ट, और आप हमसे हमको मैसेज करके और हमसे बात भी कर सकते हैं, और हम एक मखसूस दिन पर लाइव वीडियो चलाया करेंगे, आपको बता के आप हमें लाइव बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमन मार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रिकेट उर्दू। फोटोशॉप CS6 फुल कोर्स में तीसरे पार्ट की इस वीडियो में हम अपने जो बाकी के एग्जाम हैं उस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे दो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप वो उनको देख लीजिए, वो बेसिक है। अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज उसको जरूर देख लें। तो आज हम जो हमारे बाकी के एग्जाम थे जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से लेके इतने हैं, इन पे फिर हम आज बात करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैंने बातें बना के अपना इस फोटोशॉप का जो बेसिक जो अपना ट्रिक्स है उसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल की तरफ आ जाएंगे, एडवांस की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, जिसमें हम अला किस्म के हम एडिंग सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई अपनी पिक्चर, वही सेम पिक्चर हम आज ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आज हम जरा इसको जूम करेंगे, जेड प्लस किया और इसको जूम करेंगे। जितनी जल्दी आप उसके शॉर्ट कमांड सीख लेंगे आप उतनी जल्दी ही उसकी माहिर हो जाएंगे। अपने टाइम को जल्दी से जल्दी बचा कर और जूम कर कर अपने काम को जल्दी से निपटा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं हम अपने स्मग टूल में। स्मग टूल ब्लर टूल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन ब्लर का है, फिर शार्पन का, फिर स्मग का है, ठीक है। पहले ब्लर टूल में आ जाए। ब्लर का मतलब है धुंधला करना, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ से अगर अपनी आंख को धुंधला करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं मेरी जो आंख की रेजोल्यूशन है वो यहाँ से अभी धुंधली होने शुरू हो गई है। तो इसका ये फायदा है कि आप अपना बैकग्राउंड वगैरह को अपने पिक्चर से जरा थोड़ा सा पीछे करके आप इसमें जितना आप इसमें इंटरेस्ट रखेंगे अच्छे तरीके से आपका काम होगा, माहिर होगी जितना आप यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाएंगे तो आप यहाँ पर बेहतर काम कर सकेंगे। हम अपने पिक्चर को अपने दूसरी हालत में ऐसी हालत में ले हैं तो इसका फायदा ब्लर का ये है। फिर शार्पन टूल है, इसमें आप एरिया को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लर वगैरह आप इसको एरिया सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इनका इतना खासा फायदा नहीं है। ब्लर करना हम आपको और भी स्टेप्स सिखाएंगे जो इससे ज़्यादा प्रोफेशनल है। उसके बाद स्मग टूल, इसका ज़रा ज़्यादा करदार है, और इस पर मैं अगर 10 वीडियो भी बनाऊँ तो वह भी कम है। इसका बहुत ज़्यादा करदार है आपकी ज़िंदगी में, और ये प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको हम यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ी और बढ़ा देते हैं। इससे ये तो है बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसका एक फ़ायदा नहीं है। तो इनमें से दो दिन में आपको बताते जाता हूँ। यहाँ से अगर आपको हेयर स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पर यहाँ पर हेयर आ रहा है तो आप उसको साइड पर कर सकते हैं। ये अभी देखेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको किस तरह क्लियर करता हूँ, इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरह का कलर अपनी बॉडी पे करना चाहते हैं पूरी पे, तो आप देखें इसको दो मतलब क्लिक करके आपने इधर को ले आना है तो फिर ये हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको रहने देते हैं, इसको उसी ब्लैक हालत में लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इससे हेयर स्टाइल भी चेंज करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से मैं हेयर स्टाइल वाले ऑप्शन जाता हूँ, यहाँ से आपने हेयर को चेंज करना है तो यहाँ से देखना, यहाँ से ऐसे इस तरह आप इसका साइज बढ़ा बढ़ा कर इसको
आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो इसका हेयर स्टाइल भी आप इस तरह से टोटली आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप रखना चाहते हैं आप उस तरह से इसको प्रोफेशनल रख सकते हैं। जो कि मानने वाले के ख्यालों में भी नहीं आएगा कि इसका हेयर स्टाइल भी था इसका। यह आप इंटरेस्ट करता है कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जितने आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखेंगे आप उतने ज़्यादा इसमें प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अभी जम प्रेस किया और उसके बाद आउट प्रेस करके मैं जूम आउट कर दूँ, आप देखें कितनी ज़्यादा लुक अच्छी बन गई है। इस तरह से आप इसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका अभी जब प्रोफेशनल करेंगे इसमें इसके बहुत फ़ायदे हैं, तो आपको एक एक फ़ायदा इसका भी हम पूरा बता देंगे। उसके बाद आ जाता है डम टूल। डम टूल ये है कि अगर यहाँ से ब्लैक है ना थोड़ा थोड़ा सा, इसको वाइट देने है, रोशनी देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मदम सी रोशनी। ये देखें इस तरह से ये यूज होता है। लेकिन आपने ज़्यादा एक मिनट में देनी है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से वाइट हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से देखें देखें इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छा बनाने के लिए। चलिए तो यहाँ से हम आ जाते हैं बन टूल। बन का मतलब होता है जलना, तो यहाँ से जलाना वगैरह जैसा डायला का आपको देखता है इफेक्ट आपको नजर आ गए हैं। उसके बाद है स्टंग टूल, गंदा चेहरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके इफेक्ट्स हैं, इसे हम इफेक्ट बना सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आने वाले में। हम इसे इफेक्ट बनाएंगे और आपको बना के दिखाएंगे, आप हैरान आ जाएंगे। उसके बाद ये पेन टूल है। पेन टूल भी आप जैसे कटिंग करते हैं पिक्चर की कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखें अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको सिलेक्शन, ओके भी आप ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको भी कंट्रोल एक्स करेंगे तो कटा जाएगा, फिर कंट्रोल वी करके उसको हम पेस्ट कर देंगे, लेकिन हम अभी यहाँ से बैक चले जाएंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से तमाम कर का यही मकसद है यहाँ पर कटिंग वगैरह का। उसके बाद टैक्स है, अगर आप कोई भी टैक्स यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टैक्स भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरह टेक्स्ट टाइप करके इसको एक अच्छी सी शक्ल भी देख सकते हैं, और इसको जितना ज़्यादा आप अच्छा करें इंटरेस्ट होगा आप उतनी ज़्यादा अच्छी करेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ेगा, फिर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और ये पास सिलेक्शन टूल है इसका कर्सर का। उसके बाद रेक्टेंगल टूल है, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसको ज़रा हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको फिर अभी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इन टूल्स के बाद देख लीजिएगा ये भी इस तरह के हैं। उसके बाद हैंड टूल है, अगर आप इसको हिलाना चाहते हैं उसके लिए है। फिर रिपेयर रिव्यू टूल है, इसको रिपेयर करना है, लेकिन अभी ये कैन नॉट कम्प्लीट योर रिपेयर बिकॉज इट ओनली वर्क विद ओपन जी एल अनेबल डॉक्यूमेंट विंडोज। तो यहाँ से हम ये जूम टूल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कलर वगैरह अपना जो ड्राइवर में कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं इस तरह से। फिर हम करके इसमें कलर वगैरह देखें इनको, तो इस तरह से हम इसके फैक्स हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मैन्यू बार की तरफ जाएंगे और उसके एक एक टूल्स पर नज़र डाल के जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। बात करने के बाद हम प्रोफेशनल की तरफ आ जाएंगे, फिर हम अपना जो प्रोफेशनल तरीका है। उसके बाद अगर आपको किसी भी कोई एडिटिंग वीडियो चाहिए हो, तो आपकी कोई पिक्चर एडिटिंग करवानी हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको ट्यूटोरियल बना के पूरा सेंड कर दूंगा, जिसके बाद आपकी पिक्चर एडिटिंग हो जाएगी और आप उसको सीख भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट शेयर करें। और मैं आपसे बार बार इससे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि इससे तमाम दोस्त आपके फायदा उठाएं। तो मिलते हैं फाइनली अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।